नमस्कार, टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे MWC के बारे में। तो MWC में बहुत कुछ फोन लॉन्च हो रहा है, कल से शुरू हुआ है और ये मार्च 2 तक चलेगा। तो इसमें बहुत सारे फ़ोन आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे टैबलेट फ़ोन, लैपटॉप वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसका पार्ट को मैं टेक न्यूज़ में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि टेक न्यूज़ में अगर इसमें सब मिला देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक MWC स्पेशल वीडियो ये बना रहा हूँ और इसमें भी बहुत सारे डिवीजन कर लिया हूँ। जैसे कि इस वीडियो हम बात करेंगे पहले नोकिया के बारे में। नोकिया का जो कल 3 फोन लॉन्च हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा। उसके बाद और एक पार्ट में मैं सैमसंग के बारे में बता दूंगा। और जो सिंगल सिंगल हो, जैसे कि LG G6 भी कल लॉन्च हो गया है, तो LG G6 और हुआ भी P10, इनको मिला के और एक वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे करके 2-3 हिस्सों में ये बना रहा हूँ, और ताकि आपको जो वीडियो लेंदी ना लगे, ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं नोकिया के बारे में। तो नोकिया ने कल, उसका जैसे कि एक्सपेक्टेड किया गया था कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, नोकिया 3, नोकिया 5, तो वो सब लॉन्च हो गया है। तो क्या कुछ लॉन्च किया है नोकिया ने? तो नोकिया ने नोकिया 3 लॉन्च किया है, नोकिया 5 लॉन्च किया है, नोकिया 6 को रिलॉन्च किया है ग्लोबली वर्सन के लिए। जी हाँ, ग्लोबल वर्सन के लिए नोकिया 6 जैसे बताया गया था कि लॉन्च होने वाला है, वो भी लॉन्च हो गया है। और लास्ट में, आखिर में नोकिया ने लॉन्च कर दिया है 3310। जी हाँ, रिन्यू वर्सन है 3310 का, वो भी लॉन्च कर दिया है। तो बात करते हैं इस वीडियो में पहले नोकिया 5 के बारे में। तो नोकिया 5 में आपको 5.2 इंच का 720 वाला HD डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, 720 वाला फुल HD नहीं है, HD डिस्प्ले मिल रहा है। और ये क्लियर LCD ग्लास लगा हुआ है इसमें, पैनल जो बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको जो व्यू एंगल बहुत ही अच्छा मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें, क्वालकॉम का 430 प्रोसेसर मिलेगा। रैम रोम की बात करें, 2 GB की रैम मिलेगा, 16 GB की स्टोरेज के साथ आएगा। कैमरे की बात करते हो, 13 MP का रियर कैमरा मिल रहा है और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है यहाँ पे आपको। और डिज़ाइन की बात करें तो फुल मेटल डिजाइन के साथ आ रहा है। जी हाँ, देखने में बहुत ही अच्छा है। 3-4 कलर में ये आ रहा है, पिंक कलर में आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, व्हाइट, ये सब भी कलर में आपको देखने को ये मिल सकता है। बैटरी की बात करें, 3000 mAh का बैटरी है। और जो अभी तक प्राइस बता रहा है, 189 यूरो, यानी कि लगभग 13,000 के अंदर इसका कीमत रहेगा। 2 GB रैम दे रहा है, 13,000 कीमत रख रहा है। तो नोकिया ब्रांड वैल्यू के हिसाब से थोड़ा कीमत रख रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसर मिल रहा है और जो रैम मिल रहा है उसके हिसाब से इसका कीमत जो हो सकता है 10,000 के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू के हिसाब से वो रख रहा है प्राइस। तो 13,000 के शायद से इंडिया जब आ जाएगा, ये आने वाला है अप्रैल में, शायद से इंडिया में आ जाएगा। तो जब आएगा शायद से जो कीमत रखेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है 13 से 15 हज़ार के बीच इसका कीमत होने वाला है। अब बात करते हैं नोकिया 3 के बारे में। तो नोकिया 3 में भी आपको लगभग वही सेम डिजाइन है, डिजाइन में सेम मिल रहा है। नोकिया 5 में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन फिंगरप्रिंट हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। और जो नोकिया 3 है ना, उसका ये बजट सेगमेंट बोला जा रहा है, और इसमें भी प्रोसेसर में थोड़ा कमाया गया है। जी हाँ, उसमें आपको 430 मिल रहा था, यहाँ पे आपको MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है। जी हाँ, MSN का प्रोसेसर मिल रहा है, MediaTek का प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ है, पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो 5 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है, कॉर्निंग कॉर्नर ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रहा है, और ये HD है, फुल HD नहीं है, 720 वाला डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पे आपको। प्रोसेसर की बात करें तो MT6673 का प्रोसेसर, MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है, 64 बिट वाला ये प्रोसेसर है। रैम रोम की बात करें, 2 GB की रैम मिल रहा है, 16 GB की स्टोरेज के साथ ही आ रहा है। कैमरे की बात करते हैं तो 8-8 का है। जी हाँ, 8 MP का रियर कैमरा है, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ मिल रहा है, तो ये भी नोगट के आया है। जी हाँ, नोकिया 5 जो था वो भी नोगट पे आएगा, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स नोगट मिलेगा, Android 7.0 मिलेगा इसमें भी आपको। और क्या कुछ मिल रहा है, तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है। बैटरी की बात करते हैं तो 2600 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। अब बात करते हैं इसका प्राइस के और कलर के बारे में। तो ये आपको 4 कलर में देखने को मिल सकता है, एक कपर कलर है, दूसरा जो है मेटालिक ब्लैक है, और एक है सुपर व्हाइट है, और एक सिल्वर कलर है। तो ये 4 कलर हमको देखने को मिल सकता है, और कीमत इसका जो बताया जा रहा है 10,000 के अंदर इसका कीमत होगा। अब बात करते हैं नोकिया 6 के बारे में। तो नोकिया 6 तो पहले से चाइना में लॉन्च हो गया था, तो उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है लगभग सेम है। तो यहाँ पे और क्या कुछ चेंजेस है, तो प्रोसेसर रैम वाइज ये सब सेम है, लेकिन रैम में आपको रैम और स्टोरेज जो है वहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो ये 2 वेरिएंट में ग्लोबली लॉन्च हुआ है, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज पर ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। और कीमत में भी बहुत सी चेंजेस आ गया है, जो 3 GB रैम वाला है उसका कीमत रखा गया है लगभग 16,000, तो इंडिया में आते ही वो 16 से 20 हज़ार के अंदर ही शायद से मिल सकता है। और 4 GB रैम वाला वेरियंट है उसका जो कीमत, वही प्रोसेसर सेम है, क्वालकॉम का 430 प्रोसेसर उसमें भी मिल रहा है, लेकिन उसका जो कीमत अभी बताया जा रहा है 20,000 रुपीज़ उसका कीमत रखा गया। तो जब इंडिया में आया शायद से 20 से 25,000 के अंदर वो आएगा।
अब बात करते हैं नोकिया के 3310 के बारे में। तो यहाँ पे ये रिलॉन्च हो गया है और कैसे दिखते हैं आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही पंकी कलर में छोड़ा गया है। जी हाँ, बहुत चार पांच कलर में आता है, येलो, रेड, ब्लैक, व्हाइट और भी बहुत सारे कलर में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लियर एलसीडी स्क्रीन लगा गया है कलर वाला, तो 2.4 इंच का इसका स्क्रीन है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, 3G नहीं दिया गया, 4G वाईफाई ये वगैरह कुछ नहीं मिला, नॉर्मल फ़ोन है। और इसका टॉक टाइम जो बता रहा है 22 आवर्स का टॉक टाइम मिलेगा, 1200 mAh का लगभग इसमें बैटरी मिल रहा है। और जो स्टैंड बाय टाइम है ऐसे नोकिया का जो बताया गया है, स्टैंड बाय टाइम 30 डेज का, जी हाँ 1 महीने का इसको स्टैंड बाय टाइम मिलता है ऐसा कुछ बताया गया है। तो देखने में एक अच्छा लग रहा है और सेकेंडरी फ़ोन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो कीमत रखा गया है $49 के आसपास कीमत रखा गया है, जी हाँ। तो जब इंडिया में आएगा इसका कीमत लगभग 3000 से 4000 के अंदर इसका कीमत होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और नोकिया ने MWC के अंदर ये सब लॉन्च किया था, तो जो कुछ लॉन्च किया था आपको बता दिया, और दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें आपको सैमसंग के बारे में बताएंगे और LG के बारे में, तो ये सब अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। आज ही सबका हो जाएगा, तो ऐसे मार्च 2 तक आपको सब वीडियो मिलेगा, क्योंकि MWC में बहुत सारे लॉन्चेस होता है और उसको एक ही वीडियो में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं पार्ट पार्ट करके हर दिन आपको बता दूंगा कि आज जैसे कि ये 26 का हो गया, आज का जो आने वाला है मैं आज रात को दे सकता हूँ या फिर कल सुबह को आपको मिल जाएगा, MWC स्पेशल वीडियो में ये सब मिल जाएगा आपको। तो आप वेट कीजिए, स्टे ट्यून कीजिए हमारे चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इसी तरह वीडियो और देखना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में आपको डेली टेक न्यूज मिल जाता है, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बिटकॉइन रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। तो बस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।